हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में, यानी कि अपने हमारे जो राष्ट्रध्वज है, झंडा है, वो किस तरीके से फहराना चाहिए और उसे फहराने के लिए क्या क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ये जो रूल्स है उसके अभाव में, उसकी जानकारी के अभाव में लोग कई बार जाने अनजाने में राष्ट्रध्वज का इंसर्ट कर देते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो क्या है, राष्ट्रध्वज को फहराने के नियम क्या है, उसे सही तरीके से किस तरह से फहराया जा सके ताकि उसका जो राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान बना रहे। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है और इसमें राष्ट्रध्वज फहराने के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में ही क्यों है, इससे पहले क्या था, क्या इससे पहले कॉमन पीपल को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, तो इससे पहले क्या कानून था। तो इससे पहले द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 था। इसमें ये कहा गया था इस एक्ट में कि आप अगर इस तरीके से झंडा फहराते हैं तो ये राष्ट्रध्वज का अपमान होगा और इसमें ये सजा हो सकती है, आप इस तरीके से करेंगे तो ये सजा होगी। यानी कि वहां पे ये था कि ये थोड़ा नेगेटिव टाइप का था, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया था कि आपको झंडा फहराना किस तरीके से है। और 2002 से पहले आम आदमी को, कॉमन पीपल को, प्राइवेट पर्सन को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, यानी कि इनवैलिड माना जाता था, वैलिड नहीं माना जाता था, उन्हें अधिकार नहीं था। केवल गवर्नमेंट के जो टॉप अधिकारी होते थे या गवर्नमेंट के जो संस्थाएं होती थी उन्हें ही झंडा फहराने का अधिकार था। तो आखिर ये अधिकार मिला कैसे, इसके बारे में बात करें तो नवीन जिंदल करके जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि आप जानते हैं कांग्रेस के लीडर भी है, जब वो 1992 में इंडिया आए तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन उन्होंने किया और उन्होंने अपने जो फैक्ट्री है उसकी छत पर इंडियन फ्लैग को फहराया। तो वहां के जो कलेक्टर है, लोकल कलेक्टर, उन्होंने उन्हें मना किया, रोका कि ये वैलिड नहीं है, प्राइवेट पर्सन इस तरीके से झंडा नहीं फहरा सकता। बाद में थोड़ी बहस हुई और वो कोर्ट चले गए, फिर लोकल कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और डिसीजन आते आते 2002 आ गया, यानी कि 10 साल लग गए इसमें डिसीजन आते आते। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो नवीन जिंदल है, उन्होंने कहा कि यूएसए में हर नेशनल त्योहार है, वहां पर हर कॉमन सिटीजन को नेशनल फ्लैग फहराने का पूरा अधिकार है, तो यहां पर क्यों नहीं है, और इस तरीके से जो बातें की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना और ये कहा, सरकार को गाइड कहा कि आप किसी भी नागरिक को नेशनल फ्लैग फहराने से अधिकार से आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक रूल्स और रेगुलेशन, गाइडलाइंस बना सकते हैं कि झंडा फहराने के लिए क्या क्या नियम है वो आप बनाइए और बताइए, लेकिन आप हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसके कारण फिर 2002 में गवर्नमेंट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बनाया और इसकी स्थापना हुई। तो इस तरीके से हर प्राइवेट पर्सन को, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सभी को झंडा फहराने का अधिकार मिला। अब सभी जगह पे वो झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके जो नियम है, उसका पालन करना होगा। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या बताया गया, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में भारत के राष्ट्रध्वज को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, क्या रहेगा, इस तरीके से बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर आएगा, उसके नीचे व्हाइट कलर आएगा और सबसे नीचे ग्रीन कलर आएगा, और ये तीनों जो कलर है उसकी लेंथ और साइज सभी के कलर की इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कलर की लेंथ और साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए,
या फिर किसी भी कलर की लेंथ और साइज छोटी नहीं होनी। तीनों कलर की जो लेंथ है और जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। और जो अशोक चक्र है जो व्हाइट कलर के बीचों बीच में होना चाहिए और उसमें 24 स्पोक्स होने चाहिए, यानी कि कोई 18 या 15 स्पोक्स नहीं लगा सकते, उन्हें 24 स्पोक्स लाइन ही अशोक चक्र में रखनी पड़ेगी। और ये जो झंडा है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा या तो वो खादी के कपड़े में होगा या तो सिल्क के कपड़े में ही उसे मैन्युफैक्चरिंग बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए जो BIS है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है, नियम है, उसी तरीके से इसे बनाना पड़ेगा। तो ये जो राष्ट्रध्वज किस तरीके से बनेगा, किस कपड़े पर बनेगा, इसका भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताया गया है। अब राष्ट्रध्वज हमारा जो है वो किन्होंने बनाया था, तो वेंकैया पिंगली ने बनाया था और राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अप्रूव यानी कि संसद में अप्रूवल मिला था, फाइनलाइज किया गया था। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में दो तरीके से बातें बताई गई है, दो तरीके से नियम। एक गवर्नमेंट से रिलेटेड कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में अगर झंडा फहराया जाता है तो वो किस तरीके से फहराया जाएगा, और दूसरा कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर झंडा फहराया जाता है तो उसे किस तरीके से फहराया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर मैं और आप कॉमन सिटीजन प्राइवेट पर्सन अगर झंडा फहराते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले नियम की बात करूं, रूल्स की बात करूं, तो जो राष्ट्रध्वज है आप अगर उसे फहराते हैं, तिरंगे को फहराते हैं, तो वो एक सम्मानजनक स्पेस पे होना चाहिए, सम्मानजनक प्लेस पे होना चाहिए और ओपन स्पेस में होना चाहिए। यानी कि आप छत पर फहरा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है छत पर भी फहरा सकते हैं, लेकिन आप गार्डन पे भी फहरा सकते हैं, लेकिन वो ओपन स्पेस होनी चाहिए और सम्मानजनक स्पेस में होना चाहिए। और फहराते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैफरन कलर है वो ऊपर आना चाहिए, व्हाइट कलर बीच में और जो ग्रीन कलर है वो नीचे आना चाहिए। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग उल्टा झंडा भी फहरा देते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि झंडा भी सही तरीके से फहराया जाना चाहिए और ओपन स्पेस में यानी कि सम्मानजनक प्लेस में होना चाहिए, चाहे वो आप छत पर फहराएं या फिर गार्डन में या फिर किसी भी जगह। लेकिन आप कमरे में यानी कि बंद जगह पर झंडा नहीं फहरा सकते, जहां पर जब छत आ जाती है उसके नीचे के साइड यानी कि अंदर घर के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्लेस के अंदर के साइड आप झंडा नहीं फहरा सकते, ओपन स्पेस में ही आपको झंडा फहराना होगा। दूसरा नियम है कि जो अगर सनराइज के बाद ही आप झंडा फहराए और सनसेट से पहले झंडा को उतार देना चाहिए, कि वो एक सम्मानजनक माना जाता है। हालांकि अब अलाउड किया है कि आप सनसेट के बाद भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन प्रीफरेबल ये रहेगा कि अगर सनराइज के बाद ही झंडा फहराया जाए और सनसेट के बाद उसे उतार दिया जाए सम्मानजनक तरीके से, तो ये एक प्रीफरेबल बात है। तीसरी बात है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का झंडा फहराते हैं और अपने राष्ट्रध्वज तिरंगा भी फहराते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो अपने भारत का जो राष्ट्रध्वज है उसका जो पोल है उसमें सेम पोल पर दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल राष्ट्रध्वज का झंडा एक पोल पर होना चाहिए। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और ध्वज अगर फहराना चाहते हैं तो उसके बाजू में होना चाहिए, यानी कि वो या तो राष्ट्रध्वज के बराबर होना चाहिए या फिर जो दूसरा झंडा है वो राष्ट्रध्वज से थोड़ा नीचे होना चाहिए। जो अदर झंडा है, जो दूसरा झंडा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का PCB का, वो राष्ट्रध्वज से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। अगर पॉसिबल है तो केवल आप अपने तिरंगा ही राष्ट्रध्वज ही फहराए, लेकिन अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी झंडा फहराना चाहते हैं तो वो या तो राष्ट्रध्वज के बराबर होना चाहिए या फिर उसे थोड़ा नीचे हो, उसका ध्यान रखना है। चौथा नियम यह है कि आप झंडे को जब फहराए तो उसके लिए पूरी तकेदारी का ध्यान रखिए, उसे जमीन पर ना गिरे या पानी में ना गिरे, उस पर पानी ना लगे, इसका बात का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने झंडा फहरा दिया फिर आपका ध्यान ही नहीं कि झंडा गिर गया या फिर उस पर पानी में गिर गया, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। बारिश होती है वो बात अलग है, लेकिन वो जमीन पर या पानी में नीचे गिरना नहीं चाहिए, यह झंडे का राष्ट्रध्वज का अपमान माना जाएगा। यानी कि आपको पूरी तकेदारी रखनी है कि आपने जब भी जो झंडा फहराया वो पूरी तरीके से
मजबूत पोल पर होना चाहिए, वो ऐसे अगर हवा आती है तो वो गिरना नहीं चाहिए, या फिर इस तरीके से डंडा फहराना चाहिए कि जिसे वो जमीन पर टच ना हो या फिर पानी में भी टच ना हो, पानी टच ना हो गिरने के बाद, उसका ध्यान रखना है, वो गिरना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जब आप झंडा फहराते हैं तो उसको एक बात ये भी आपको ध्यान रखें कि उस पर आपको कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, आप झंडे के ऊपर कुछ भी चीज नहीं लिख सकते हैं, जिस तरीके से जो प्लेन है उसी तरीके से आपको उसे फहराना है, उस पर आप कोई भी सिंबल या वर्ड्स लिखना अलाउड नहीं है। छठा नियम यह है कि अगर आप जो झंडे है उसका कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कंपनी है तो आप किसी भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसे बेचने के लिए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, झंडे का कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कोई बैग की फैक्ट्री है या कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उस पर झंडे को प्रिंट नहीं कर सकते हैं उसे बेचने के लिए। हाँ, आप टी शर्ट है उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं झंडे को, लेकिन वो भी जो कमर के ऊपर का भाग है उसी पर झंडा प्रिंट हो सकता है, और वो भी सम्मानजनक जगह पर। कई बार अपने जो क्रिकेटर्स होते हैं तो उनके जो टी शर्ट होते हैं उनकी जो छाती के ऊपर झंडा प्रिंट होता है तो वहां पे आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब भी आप कपड़े पर, यानी कि जो हम पहनते हैं वो कपड़े पर आप प्रिंट करते हैं तो भी कमर के ऊपर के कपड़े पर ही झंडा प्रिंट हो सकता है, और वो भी सम्मानजनक जगह पर ही होना चाहिए। आप किसी भी अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, जो बैग है या और कोई चीज है, उस पर आप झंडा प्रिंट करके उसे सेल करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सातवें नियम की बात करूं तो अगर आपका कोई प्राइवेट फंक्शन है, आप इंडिपेंडेंट डे या कोई नेशनल डे मना रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो झंडा है वो स्पीकर के राइट साइड में होना चाहिए, यानी कि ऑडियंस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि जब झंडा फहराया जाए तब उसके बाद जो स्पीकर के राइट साइड में ऑडियंस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। आपने देखा होगा जब लाल किले पर जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो वो झंडे के थोड़े राइट में खड़े होते हैं, यानी कि जो ऑडियंस है उनके लेफ्ट साइड में झंडा होता है। तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है कि अगर आप प्राइवेट अपने फंक्शन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का अगर फंक्शन करते हैं तो जो स्पीकर है उसके राइट साइड में झंडा होना चाहिए और ऑडियंस के लेफ्ट साइड में झंडा होना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पेपर फ्लैग के बारे में कि पेपर फ्लैग क्या है। तो पेपर फ्लैग अलाउड नहीं है, यानी कि झंडा केवल खादी और सिल्क के कपड़ों पर ही प्रिंटेड होना चाहिए, ये नियम। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी इवेंट होती है तो उसमें जैसे कि कोई मैच हो या फिर कोई नेशनल इंडिपेंडेंट डे या रिपब्लिक डे में जब स्टेडियम होता है तो वहां पर कई सारे जो प्लास्टिक के फ्लैग्स आपको मिलते हैं। बेसिकली ये अलाउड तो नहीं है, लेकिन होते हैं और लोग यूज भी करते हैं, तो यूज करते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब इवेंट खत्म हो जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग झंडे को फेंक देते हैं या फट जाता है या खराब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो प्लास्टिक का भी फ्लैग है या पेपर का भी फ्लैग है तो उसे यहां वहां नहीं फेंकना है, कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना है। आपको उसे अगर खराब हो भी गया है तो आपको उसे अपने घर पर ले जाना है और एकांत में, प्राइवेट में आपको अगर खराब हो गया है झंडा तो उसे जलाकर डिस्ट्रॉय कर देना है, लेकिन एकांत में, घर पे ले जाकर एकांत में डिस्ट्रॉय करना। ऐसा नहीं कि खराब हो गया तो यहीं वहीं फेंक देंगे, ये गलत है, ये राष्ट्रध्वज का अपमान माना जाता है। और दूसरी बात कि अगर आपने अपने घर पे जो झंडा है वो फहराया है, जैसे कि पिछले साल भी फहराया था, हर रोज आप फहराते हैं, तो अगर किसी कारणवश तूफान की वजह से या फिर जो एयर हवा की वजह से वो अगर वो खराब हो गया है तो आपको देख रहा है कि कलर डाउन हो गया है, फट गया है, तो उस झंडे को आप नीचे उतार दीजिए सम्मान तरीके से और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कोई भी फटा हुआ झंडा या फिर जो कलर है वो शेड अगर डाउन हो जाता है या फिर किसी भी तरह का खराब अगर हो गया है झंडा तो उसे कंटिन्यूस फहराने का ना रखे, उसे सम्मानजनक परिस्थिति से उतार दे और फिर उसे डिस्ट्रॉय करके नया झंडा फहराए। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर इवेंट खत्म हो जाती है तो जो प्लास्टिक के जो झंडे है उसे अगर पॉसिबल है तो उसे यूज ना ही करें, पेपर के
जो है पेपर है या सिल्क है या खादी के यूज करें, और अगर खराब हो जाता है तो उसे सम्मान तरीके से घर पे ले आए और उसके बाद में उसे डिस्ट्रॉय करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि कार और बाइक के ऊपर झंडा फहराने के नियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप और मैं कॉमन सिटीजन अपने कार और बाइक पर झंडा नहीं फहरा सकते, हमें यह अधिकार नहीं है। केवल इन डिग्निटीज को ही अधिकार है जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, स्टेट के जो स्पीकर होते हैं वो, स्टेट जो चीफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी गाड़ी पर, फिर एम्बेसडर या फिर गवर्नर, और जो आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स के जो टॉप अधिकारी है उनकी ही गाड़ी पर, यानी कि इस लिस्ट में जो बताया गया है उन्हीं की गाड़ी पर झंडा फहराने का अधिकार है। कॉमन पीपल को झंडा फहराने का, गाड़ी पर या बाइक पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी झंडा फहराते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप केवल या तो कार के जो बीचों बीच आगे के भाग के बीचों बीच में या फिर राइट साइड में ही आप झंडा फहराएंगे। आप कार के ऊपर के भाग में झंडा फहरा के उसे फुल स्पीड में चला के नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इस हवा के तेज रफ्तार के कारण झंडा डैमेज हो सकता है। तो या तो आपको गाड़ी के ऊपर या गाड़ी पर झंडा नहीं फहराना है, लेकिन अगर फहराते हैं तो यह बात ध्यान रखिए कि या तो वो राइट साइड में होना चाहिए या फिर बीचों बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कब राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को आप लपेटने के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार केवल उन लोगों के लिए है जो भारत माता के लिए शहीद होते हैं, यानी कि जो हमारे सैनिक है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उन्हें राष्ट्रध्वज में लपेट कर घर भेजा जाता है। बाकी किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप किसी भी चीज या वस्तु को लपेटने के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि अगर आप राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं तो किस कानून के तहत सजा हो सकती है और सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो कानून है कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि केवल आप फिजिकली ही राष्ट्रध्वज को डैमेज करेंगे तो सजा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप शब्दों से यानी कि लिख के या बोल के भी अगर राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं तो भी आपको सजा हो सकती है, और अगर ऐसे में अगर आपको राष्ट्रध्वज अपमान करते हुए पाया जाता है तो सजा की बात करें तो 3 साल तक की कैद हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये सारे नियम थे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कि राष्ट्रध्वज को अगर आप फहराते हैं तो किस तरीके से आपको फहराना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन क्या क्या नियम है इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को अगर राष्ट्रध्वज फहराते हैं या फिर अगर आप किसी भी नेशनल डे पर अगर आप राष्ट्रध्वज फहराते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को ये पता लगे कि राष्ट्रध्वज फहराने के सही नियम, सही गाइडलाइंस क्या है। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।